हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं घर पे मास्क पहन के वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ, और हो सकता है बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, आई एम कोविड पॉजिटिव बट माई रिकवरी हैज स्टार्टेड नाउ। आई एम डूइंग वेल, माई ऑक्सीजन लेवल इज परफेक्टली फाइन। तो क्या था, बहुत दिन हो गए थे व्लॉग शूट नहीं करा था, और इस बीमारी की हालत में तो मैं क्या ही शूट करती। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कुछ ना सही तो यही सही, मैं आप लोगों के साथ अपनी कोविड की जो रिकवरी की जर्नी है वो शेयर करती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि हमें डू एंड डोंट्स तो पता होते हैं, लेकिन इस वक्त में खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, खुद को चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये हमें तब पता चलता है जब ये हमारे साथ होता है। वैसे तो मैं प्रे करूँगी कि ये किसी को भी ना हो और ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारी कंट्री, इनफैक्ट सारी कंट्रीज कोविड फ्री हो जाए। पर ये कब होगा, होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। तो हमने सारी प्रिकॉशंस लेनी है, भले ही केसेस कम हो गए हों, लेकिन गाइस ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे भी ये कोविड अभी रिसेंटली हुआ है। तो हमने सारी प्रिकॉशन पहले की तरह ही लेनी है, जैसे जब ज़्यादा केसेस थे तब हम ले रहे थे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगी, उन लोगों से जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट लोग, और मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल धर्मशाला मनाली की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो देखिए गाइस, आप मास्क पहनिए, और अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से हम लोकल लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, और अगर मास्क नहीं पहन सकते तो घर पे रहिए, अपनी लाइफ की वैल्यू को समझिए और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की लाइफ की वैल्यू को भी समझिए। तो मुझे जो सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सबको पता है इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं कोल्ड, कफ, फीवर आना। तो क्या था, मुझे फीवर तो नहीं था, लेकिन मुझे ना थ्रॉट इशू हो रहा था, मुझे थोड़े दिन से खांसी आ रही थी। लेकिन क्या है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से हम कई बार ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मैंने भी दो दिन पहले आइसक्रीम खाई थी, ये नहीं था मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, बट हाँ मैंने खाई थी, और ठंडा पानी फ्रिज का मैं बहुत दिनों से पी रही थी। तो मैंने तो उसको एज अ सीजनल खांसी ही लिया, मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही हो रही है, शायद ठंडा वंडा खाने की वजह से हो रही है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दो दिन के बाद ना मेरी जो गले की दर्द थी वो बढ़ गई, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे गले में टॉन्सिल हो रखे हैं, इतनी ज़्यादा पेन थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, समथिंग इज़ रॉन्ग, मुझे चेकअप करवाना चाहिए। तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो मैं कोविड पॉजिटिव निकली। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपने लाइट नहीं लेना है, हो सकता है किसी किसी को ये सीजनल हो, बट सबको सीजनल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इससे पहले लेट हो जाए आपने डिले नहीं करने, क्योंकि मैंने इग्नोर करके थोड़ा सा लेट कर दिया था, बट चलो बाय गॉड ग्रेस फिर भी मेरी इन्फेक्शन थोड़ी माइल्ड सी थी। तो आपने चेक करवा लेना अगर आपको खांसी आ रही है, टॉन्सिल्स जैसे फील हो रहे हैं, गले में दर्द हो रही है, लाइट नहीं लेना है इसको बिल्कुल भी। गाइस, कोविड के टाइम पे आपके घर पे दो मेडिकल इक्विपमेंट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भगवान ना करे किसी को भी हो, बट अगर इन केस होता है किसी को भी, एक है ऑक्सीमीटर, ये आपको अमेज़न से मिल जाएगा और लोकल मेडिकल शॉप से भी मिल सकता है, और है थर्मामीटर, और ये तो ऑब्वियसली सबके घर पे होता ही है। तो हमने क्या करना है, हर 3 घंटे पे अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है, कहीं ये डिक्रीज तो नहीं हो रहा, मतलब आपका 94 से नीचे जो है ऑक्सीजन लेवल नहीं जाना चाहिए, 94 होना चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे हमने ना कई बार नेल पेंट लगाया होता है हाथों पे लड़कियों ने, तो नेल पेंट के साथ जो है वो रीडिंग कई बार सही नहीं आ पाती है। तो आपको अगर कभी कोविड हो तो आपने नेल पेंट रिमूव कर देना है, और फिर अपनी जो है ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेनी है। तो कई बार वो एरर देता है, क्योंकि मैंने इनिशियली लगाया हुआ था तो मेरी बीच में कई बार रीडिंग गलत आ रही थी, तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड करा कि मैम आप नेल पेंट रिमूव करो, तो फिर मैंने कर दिया। तो अभी जो मेरी रीडिंग है वो सही आ रही है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेरा 97-98 शो कर रहा है, 99 पे भी जा रहा है, मतलब 94 से अबव है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल परफेक्ट और सही है, और ये जो 90 दिख रही है ये आपको पल्स रेट है,
तो पल्स रेट भी मेरा सही है 90। तो गाइस क्या होता है ना कि शाम के टाइम पे आपका स्नैक्स खाने का बहुत ज़्यादा दिल होता है, पर अभी कोविड के टाइम पे जो है हम स्नैक्स नहीं खा सकते हैं, तो हमें फ्रूट्स ही खाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने भी अभी अपने फ्रूट्स काट लिए और अब मैं खाऊंगी इन्हें। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद वैसे इतनी ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप वो भी खाएं। आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, सिंपल एंड हेल्दी। यू कांट हैव इट तला भुना, जैसे कि परांठे नहीं खा सकते आप, चपाती पे घी बटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये गले के लिए सही नहीं होता है। तो बस लाइट से लाइट और हेल्दी से हेल्दी खाना प्रेफर करना है आपने कोविड के टाइम पे। तो गाइस कोविड के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है हॉट वाटर की, क्योंकि हमें दिन में 3-4 दफ़ा स्टीम लेनी होती है, गागल्स करने होते हैं, गर्म पानी पीना होता है। तो यही एक प्रोसेस है जो आपको कोविड में रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर कभी ऐसा हो तो आपने गागल्स और स्टीम ज़रूर लेने हैं, गागल्स करने हैं, स्टीम ज़रूर लेने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी काढ़ा भी पीते हैं लोग, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे काढ़ा स्ट्रिक्टली मना किया था, रीज़न तो मुझे नहीं पता, शायद गर्मी की वजह से। तो उन्होंने मुझे जो कहा था मैं वही फॉलो कर रही हूँ, और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे आप भी उन्हें फॉलो करें, तभी हम बेटर हो सकते हैं जल्द से जल्द। और खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें कि मतलब हमें जो पता है हम वो सब ट्राई करी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उन्हें फॉलो ज़रूर करना है। बाकी तो यार आप सब लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैं आपसे क्या ही कहूँ। वो तो मेरे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी यही शूट कर देती हूँ। वैसे एक कमरे में तो मैं क्या ही शूट कर सकती थी, तो मैंने फटाफट अपना कैमरा ऑन किया, इवन मेरे पास यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में व्लॉग बन रहा है और मैं बना ही जा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे लोकेशन भी आपको थोड़ी डिफरेंट सी लग रही होगी रूम की, तो अभी मैं अपने पुराने घर के नीचे वाले फ्लोर में रह रही हूँ, बिल्कुल सेपरेट आइसोलेटेड 14 डेज के लिए। उसके बाद घर की सैनिटाइजेशन होगी और फिर मैं अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। सच कहूँ तो ये टाइम ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि हम अपने घर वालों से मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, एक रूम में ही बंद रहना होता है। तो इस टाइम में आपने खुद को, अपने माइंड को बिजी कैसे रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। यू आर द ओनली पर्सन जो खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, और कैसे ये आपको पता होगा। वैसे तो आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वेब सीरीज देख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। मैं भी अपनी एक बुक रीड कर रही हूँ, थ्रिलर वन है वो नॉवेल, तो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसियसली मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक चैप्टर ख़त्म होता है तो ऐसे लगता है व्हाट नेक्स्ट, तो ऐसे ऐसे करते मतलब टाइम निकल जाता है। बाकी मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, क्योंकि कुछ भी कहिए ऑफिस का काम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, और इस टाइम में आपने अपने माइंड को काम रखना होता है, स्ट्रेस फ्री रखना होता है, और सबसे बड़ी बात पैनिक नहीं करना होता है, क्योंकि पैनिक करोगे तो आपके बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पैनिक कर रही थी कि मुझे कैसे हो गया, मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती, घर पर रहती हूँ, प्रिकॉशंस लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि यार अब हो ही गया तो पैनिक करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब मैंने पैनिक करना बंद किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल भी सही हो गया, मुझे फीवर आना भी बंद हो गया, और अब मैं रिकवरी स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ और रिकवर हो रही हूँ। बस ये है कि बॉडी में वीकनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, स्किन थोड़ी डल पड़ गई है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतना हेयर फॉल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं। तो चलिए ये चीज़ें तो बाद में सही हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है कोविड से रिकवरी इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आपके साथ एक अच्छा नया ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। बाकी आप लोग भी गाइस अपना ख्याल रखना, ज़्यादा बाहर मत घूमना, और बाहर घूम रहे हो तो प्लीज़ मास्क पहन लेना। तो गाइस आज के ब्लॉग में तो बस इतना सही था, और मैं क्या ही शूट करूँ, कुछ है ही नहीं शूट करने को। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपना ख्याल रखना, मेरे लिए भी प्रे करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।